हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। 38 डेज अवे हैं हम हमारे प्रीलिम्स 2019 से, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको हम काफ़ी मिक्स्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं जीएस के, ताकि आप जीएस का ओवरऑल प्रिपरेशन लेवल अच्छा रखें। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहाँ पर जो मिक्स्ड जीएस के तो हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो आप देखेंगे जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ऐसा है, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज में है और उसकी वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में वहाँ पर दिक्कत थी, मिस्टेक थी, तो वो भी आप ताकि नोटिस कर लें कि क्या वहाँ पर मिस्टेक है। ऑलराइट, तो सोशो का कोर्स भी 2020 के लिए चालू है, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं अगर 2020 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा टेस्ट 7 था, जो टेस्ट 7 में एक पर्टिकुलर जो आखिरी सवाल था क्वेश्चन नंबर 100, उसके वहाँ पर एक्सप्लेनेशन ठीक कर दिया जैसे हमने, लेकिन स्टिल कुछ बच्चों तक वो बात नहीं पहुँच पाई, तो हम चाहते हैं कि वो सब बच्चे उस बात को जान लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखें क्या था वो सवाल। तो वो क्वेश्चन आपको कहता था कि इसमें से कौन से एनिमल्स या बर्ड्स हैं जो कि अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगराइज हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो मार्क करने की ट्राई कीजिए अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज के अगर स्टूडेंट हैं, तो आप जानते होंगे कि क्या इसका आंसर है, आपने जो डिस्कशन सुनी होंगी या रीड किया होगा। अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं इस सवाल को एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन लेवल को जज कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, एशियाटिक लाइन न्यूज़ में रहता है, स्नो लेपर्ड, मालाबार सिविट एंड जो जर्डन्स कुर्सर, ये भी मैंने कवर किया हुआ है अपने बहुत सारे लेक्चर्स में, जो आपने लेक्चर्स जो देखे हैं यूट्यूब पर भी डले हुए हैं बहुत सारे। ऑलराइट, तो आपने बताना है कौन से हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, 1, 2, 3 हैं या 2, 3, 4 हैं या 1, 3, 4 हैं या 3 एंड 4 हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़, इस पर नोटिस करना बहुत ज़रूरी। ऑलराइट दोस्तों, तो मार्क कीजिए अपना आंसर। एंड राइट आंसर इज यहाँ पर 3 एंड 4 ओनली। वहाँ पर हमारा एशियाटिक लाइन भी मार्क हो गया था, लेकिन एशियाटिक लाइन नहीं है इसका आंसर। वन एशियाटिक लाइन नहीं है, ये पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, लेकिन ये कुछ साल पहले ही इसको उस जो श्रेणी से निकाल कर अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली लाइन में नहीं है। तो दो चीज़ें, जो 1 एंड 2 जो हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी नॉलेज ले लो। ठीक है, क्योंकि जो शेड्यूल 1 है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शेड्यूल्ड है। ठीक है, ये शेड्यूल यहाँ पर, और सेकंडली यहाँ पर ना आप जान के रखना, जैसे मैम ने आपको पढ़ाए हैं बहुत सारे वीडियोस में कि क्या इनका सिग्निफिकेंस है, कौन से एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है अभी IUCN के, और 2008 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड से हटाकर इसको जो एंडेंजर्ड वाली स्पीशीज में जो रख दिया गया था। एंड रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी बहुत सारे एशियाटिक लाइन्स को एक पर्टिकुलर डिजीज़ थी जो कि केनाइन डिस्टेम्पर वायरस से फैल रही थी, जो कि पर्टिकुलरली जैसे ये हंटिंग वगैरह करते हैं, बाकी जानवरों को खाते हैं ये एशियाटिक लाइन्स, तो उससे फैल रही थी एंड बहुत सारे एशियाटिक लाइन्स मारे गए। तो ये न्यूज़ में हो सकता है इस तरह से आपको सवाल पूछे जाएँ। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर जो गुजरात स्टेट फॉरेस्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स वगैरह ने वैक्सीनेशन शुरू करी है किसकी, लोकल कैटल की एंड डॉग्स की, जिनसे ये जो डिजीज़ शायद लाइंस तक पहुंच गया। एंड देन स्नो लेपर्ड्स की बात आती है, शेड्यूल 1 का पार्ट है अगेन, एंड ये वल्नरेबल जो कहलाते हैं IUCN में, और माउंटेनस रीजन में रहते हैं बहुत से ही, जो हिमालयन स्टेट्स में रहते हैं, एंड जो पर्टिकुलरली जो कुछ 3 हिमालयन स्टेट्स हैं वो प्रायोरिटी ग्लोबल रीजन ऑफ WWF एंड लिविंग हिमालयाज नेटवर्क इनिशिएटिव, इसका पार्ट भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे जान लें तो क्या होती है वाली। और उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा शाय मानते हैं स्नो लेपर्ड को, कि हंटिंग भी करता है बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड्स में। एंड देन उसके बाद जैसे स्नो लेपर्ड्स भी अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स पर भी मैम का लेक्चर अवेलेबल है, यूट्यूब पर ही आप देख सकते हैं, और जिसमें इलीगल है जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो आपस में इसमें ट्रेड नहीं कर सकते इसके किसी भी पर्टिकुलर फर, बोन या मीट में। ऑलराइट दोस्तों, और बाकी और बहुत से नेशनल लॉज भी हैं जो स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जितने कुछ इंपॉर्टेंट ये जानवर थे, जैसे हमारा मालाबार सिविट और जो जर्गन्स जो वहाँ पर है, वो पर्टिकुलर जैसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, तो जर्डन्स जो हमारा जो कर्सर है उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के रखिएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आपने मुझे बताना है सर विलियम वेडरबर्न और WS Cain, ये इन्होंने एक इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 1893 में, उसका पर्पस क्या था। ऑलराइट दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई एम श्योर आपने हिस्ट्री में कवर किया एंड जो बुक्स में भी गिवन है अब, तो उसके बारे में मुझे बताइए, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी जो इन्होंने बनाई उसका पर्पस क्या था। पहला, कि एजिटेट किया जाए इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, कहाँ पर, हाउस ऑफ कॉमन्स में। दूसरा, कैंपेन किया जाए एंट्री ऑफ इंडियंस टू द इंपीरियल जुडिशरी, या फिर इन्होंने कहा कि नहीं हमें फैसिलिटेट करनी है डिस्कशन इंडिया की इंडिपेंडेंस पे, ठीक है, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड देन
उसके बाद, या फिर कहते हैं हम एजिटेट चाहते हैं करना एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑलराइट, कि वो देखो ये जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट पर चाहे लगा लो, वहाँ पर दो डिफरेंट तरह की एजिटेशंस हो सकती हैं। एक तो इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए कि इंडिया में पॉलिटिक्स को रिफॉर्म किया जाए, किस तरह से हम उनके लोगों को सिलेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उनको हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट ही बनाएं। ठीक है दोस्तों, अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपने पढ़ा भी है तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए एंड राइट आंसर मार्क करना है यहाँ पर। एंड राइट आंसर क्योंकि इज इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कि इंडिया में जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर रिफॉर्म्स करने की यहाँ बात हो रही है। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए विलियम वेडबर्न जी ने किया था और इंस्ट्रूमेंटल हैं ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन हो रहा है उसके लिए। ठीक है, एंड जैसे जो एओ ह्यूम, ह्यूम के साथ मिलकर, कि जो ह्यूम एंड इवन दादा भाई नारोजी वगैरह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जो शुरू में जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी। ऑलराइट, तो ये इसीलिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। 1893 में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वहाँ जाकर एजुटेशन वगैरह भी इन्होंने लागू की, चालू की, कि इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए जाएं, पर्टिकुलरली कहाँ जाके इन द लोअर हाउस में, वहाँ जाके इन्होंने एजुटेशंस अपनी की। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने एक ये वन मिनट सीरीज बनाई थी लास्ट ईयर, उसमें हमने जो इंग्लिश प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन पर हमने डिस्कशन की हुई है। बहुत ही क्विक एक वीडियो है, आप उसको जाके देखिए, छोटा सा लिंक है यूट्यूब का उसको, या फिर सिंपली लिख देंगे ना आप कि प्रेजिडेंट्स ऑफ INC प्लस स्लीपी क्लासेस, आपको ये लिंक दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, जैसे जॉर्ज यूल या फिर जो हेनरी कॉटन एट्सेट्रा, इन सब के बारे में जान लो, क्योंकि UPSC के थोड़े से खास हैं ये एंड इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप उनको पढ़ोगे लिखोगे तो थोड़ा फायदे में रह सकते हो। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल है अबाउट कुसुम स्कीम। इसके क्वेश्चन के पहले हम पहले सोच रहे थे लिख दें बोनस राउंड, कि ये बहुत ही आसान सवाल है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो डेफिनेटली रिविजन या फिर थोड़ा लेवल को बढ़ाने की भी रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, तो कुसुम स्कीम के रिगार्डिंग क्या बात यहाँ पे करेक्ट है? पहला, ये एम्पावर करने की बात करता है विमेन को बाय प्रोवाइडिंग देम अलाउंसेज एंड सब्सिडीज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, या फिर ये डिसेंट्रलाइज करना चाहता है सोलर पावर की जो प्रोडक्शन भारत में हो रही है, या फिर ये रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्रोवाइड करता है जो बच्चे जो कि ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू किए गए, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। ऑलराइट दोस्तों, आसान सवाल, आंसर मार्क किया सबने, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इज येस, सोलर पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए कुसुम स्कीम यहाँ पर लाई गई थी। एंड देख लीजिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान हमारे चैनल पर एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड है। आप कुसुम स्कीम प्लस स्लीपी क्लासेस सर्च करेंगे, मैम ने समझाई है, इत्मीनान से फटाफट से पढ़ लो उसको और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, क्योंकि UPSC में नहीं पूछा गया अभी तक, पूछा जा सकता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्कीम अभी तक UPSC के दायरे से बाहर चल रही है। ऑलराइट, तो उसके बारे में जान सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे प्लान था और यूनियन गवर्नमेंट का, कि किस तरह से एग्रीकल्चरल पंप सेट्स ये वो सब कुछ, जो सोलर पावर को यूटिलाइज करना किसान के खेत में कहाँ कहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कुसुम स्कीम में, और पर्टिकुलरली किस तरह से जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन कमेटीज़ हैं उनको भी कहा गया है कि आप इनसे जो इसकी किस तरह से ग्रिड में इंटीग्रेट किया जाए सोलर पावर को, माइक्रो ग्रिड्स इस्टेब्लिश किए जाएं सोलर पावर को लेकर, तो उसके बारे में यहाँ बात है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अगला सवाल। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का 123वां अमेंडमेंट बिल था जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपने मुझे सिंपली बताना है बस किससे ताल्लुकात रखता है वो। इट वॉज रिलेटेड विद, पहला कि विमेन को रिजर्वेशन दिया जाए पार्लियामेंट में, या फिर जो ट्रांसजेंडर्स को रिजर्वेशन दिया जाए पार्लियामेंट में, या फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन के लिए, या इसमें से कोई भी नहीं। ऑलराइट दोस्तों, अपना आंसर मार्क करो यहाँ पर एंड बताओ, क्योंकि अगर न्यूज़ पढ़ते आए हो तो दाएं हाथ का खेल, दाएं बाएं जो भी हाथ का खेल होता है तो एंड, लेकिन ये सवाल मिस नहीं करना, बोनस राउंड टाइप सवाल है पेपर में, क्योंकि पेपर में ऐसे 20 25 30 सवाल हमेशा ही ऐसे होते हैं जो आपको बहुत आराम से आते होंगे। एंड मेक इट, मेक दिस क्वेश्चन योर वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो आपको बहुत ही आराम से आता हो। एंड आंसर इज येस, नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बिल जो था ये हमारा अलग से गठन करने के लिए था, किसका, NCBC, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए। अभी जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए ये बिल था, और ये बिल पारित भी हो गया लास्ट ईयर अगस्त में ही, इसको जो प्रेजिडेंशियल असेंट मिल गया एंड उसके बाद ये एक्ट बन चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर
102वां कॉन्स्टिट्यूशन, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। 103rd कौन सा है मुझे बताओ फटाफट से कमेंट में। काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़नी है आज, ठीक है। जो कुछ जो पंछी थे जो उनका नाम मैंने आपको बताया था, जर्डन स्कूसर, उसके बारे में पढ़ना है। मालाबार सेवेट के बारे में, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या थी पढ़ना है, ठीक है। एंड एक INC के इंग्लिश प्रेजिडेंट्स पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते रहो तभी नंबर मिलेंगे हमें। एंड देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है हमारे NCBC को, और आर्टिकल 338B ऐड हो गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी आर्टिकल्स ऐड हुए हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 338B है। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, आज का आखिरी सवाल। ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करोगे तो मुश्किल सवाल आसान हो जाते हैं। आपने मुझे बताना है इसमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से कौन से जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं, सी अर्चिन, साल्मन फिश, टोड। ऑलराइट, तो सोचिए समझिए बताइए, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है कि जनरली फिश करती हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से, क्या सालमन फिश एक्सेप्शन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे बहुत से सवाल दिमाग में आते हैं, क्या ये बात सही है गलत है। ऑलराइट, थ्री ओनली, 1 and 3 only, 2 and 3 only, या सभी के सभी ही करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस। ऑलराइट, एंड दोस्तों राइट आंसर इसकी ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी ही करते हैं, दैट इज़ करेक्ट। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का पहले देख लो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब मेल जो स्पर्म रिलीज करता है एंड उसके बाद वो फीमेल के एग को आउटसाइड फीमेल्स बॉडी फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड फीमेल बॉडी अगर हो रहा है, जैसे बहुत मैमल्स वगैरह में हो रहा है, ठीक है, लेकिन आउटसाइड हो अगर, तो आउटसाइड को दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जनरली ये वाटर में या फिर मॉइस्ट एरिया में होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में वाटर के थ्रू, वाटर पे फ्लोट करते हुए स्पर्म को मोबिलिटी मिल जाती है एग तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर है। एंड इसीलिए जो फीमेल है जो वो एग्स रिलीज करती है, और इनफैक्ट जो मेल स्पर्म रिलीज करते हैं वाटर में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्पॉनिंग, दैट इज नोन एज स्पॉनिंग। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पॉनिंग, तो आपको पता होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है जहाँ पर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली स्पर्म एंड एग्स रिलीज करते हैं वाटर में, ताकि वो मोबाइल रह सकें और वो अपनी राइट डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ एंड उससे आगे लाइफ चल सके, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो एम्फीबियंस और फिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूज़ करती हैं। इन वर्टिब्रेट्स में तो बहुत सारे करते हैं, वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस और फिश करती हैं। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एक चीज़ें थी मुझे लग रहा था आपसे शेयर करनी चाहिए। एंड बस जाते जाते एक सिंपल सी बात जानना ज़रूरी है, कि वो सिंपल सा एक विजडम है, सॉक्रेटिस ने बताया था हमें कि हमें एक ही बात कभी नहीं भूलनी, दैट इज़ यू नो नथिंग। ये जॉन स्नो के लिए भी वैसे कहा गया था, लेकिन हम अपने आप पर भी लगा लेते हैं, दैट वी नो नथिंग। वेन वी रियलाइज वी नो नथिंग, वी वॉन्ट टू लर्न मोर, वी वॉन्ट टू अचीव ग्रेटर हाइट्स विद नॉलेज, ठीक है। तो बस जानते रहना ही जर्नी है, सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है UPSC की। अगर जिस दिन आपको लगेगा आपने सब कुछ जान लिया, उस दिन UPSC के तरफ से आपको काफ़ी चिंताएं और टेंशन फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए जितना जहां से पॉसिबल है जानते रहिए। प्रीलिम्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में चाहे आप फिर भी कह सकते हैं कि लिमिटेड और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी ज़रूरी हैं एनालिसिस, लेकिन प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा जान सकते हैं ज़रूरी है। स्पॉनिंग एट्सेट्रा, ये मेंस में शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, दे कैन बी अ क्वेश्चन ऑन स्पॉनिंग। तो इसीलिए जो आपके पास अभी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, उन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को मेक श्योर दैट यू फिनिश देम ऑफ, देन उसके बाद जब खत्म कर दिया आपने, देन यू विल हैव टू रिवाइज देम एज वेल, ठीक है, रिवाइज कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, प्रायोरिटाइज कीजिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो वीक एरिया है, उस वीक एरिया को प्रायोरिटी में ऊपर ला के उसको पहले एकदम मजबूत बनाओ, क्योंकि किला अगर कहीं से कमज़ोर रह गया तो वहाँ से दुश्मन अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो पूरा ही किला मजबूत होना चाहिए, वीक एरियाज प्रायोरिटी से आपने टैकल करने हैं, ठीक है, सबसे ऊपर होना चाहिए आपके प्रायोरिटी लिस्ट में। और आखिरी कुछ दिन हैं, और क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाएं, जो वीक एरियाज हैं यहाँ से पढ़ें, जानें क्रैश से, टेस्ट सीरीज से, वीडियो सॉल्यूशन सुने, और दैट्स इट, बस ये मेहनत करना हमारा धर्म है, बाकी भगवान की मर्ज़ी। ऑलराइट, तो और लेस देन 200 आवर्स में हम अपना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा लेवल बिल्ड कर सकते हैं, अगर हम पूरा करें, सिलेक्टिवली चाहते हैं करना आप तो सिलेक्टिवली तो डेफिनेटली ही बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि सिलेक्टिव होके ही कीजिए, क्योंकि जैसे हमने कल ही एक नारा दिया कि सिलेक्टिव हो जाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।